हेलो दोस्तों, मैं हूं राजन। एक बार फिर से एक शानदार वीडियो लेकर के मैं आया हूं और आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक आप लोग को तो पता चल ही चुका होगा दोस्तों, क्योंकि आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो कूलर है, होममेड कूलर है दोस्तों। पूरा का पूरा वो घर पर मैंने बनाया है दोस्तों इस वीडियो बनाने में मुझे क्या प्रॉब्लम आई है और किस तरीके से वीडियो को मैंने बनाया, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। वेलकम दोस्तों, सब्सक्राइब करें आरआर क्रिएटिव चैनल को और बेल आइकन को दबाएं होममेड टेक्निकल की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये आयरन की सीट है दोस्तों, तो ये मैं 20 रुपये फुट के हिसाब से ख़रीद करके लेके आया था हार्डवेयर के शॉप से। तो दोस्तों अगर आपको ये सीट नहीं मिल रही होगी तो आप इसकी जगह जो तेल का डिब्बा होता है स्टील का, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों इसके जो पीसेज हैं वो मैंने कट कर लिए हैं, तो आप लोग जैसा देख रहे हैं। और इसकी साइज़ दोस्तों मैंने 8 इंच और 4 इंच रखी है, जैसा कि मैं आपको डिस्प्ले में दिखा रहा हूँ दोस्तों। तो जो भी है दोस्तों, मैं वीडियो में सब कुछ आपको बताता रहूँगा मैंने इसको किस तरीके से बनाया और किस तरीके से सब कुछ इसमें सेट किया है दोस्तों। तो इसमें मैंने 2 स्विच और 1 सॉकेट के लिए मैंने पहले से ही कटिंग कर ली है दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग अभी ये ग्राइंडर मशीन देख रहे हैं, ये मैंने खुद बनाया है दोस्तों। अगर आपको ये ग्राइंडर मशीन बनाना हो या इसका वीडियो देखना हो तो आप मेरे YouTube चैनल में जाकर के आप इसका वीडियो देख सकते हैं, या तो मैं इस ग्राइंडर मशीन के वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या तो ऊपर आई बटन में जो शो हो रहा है वहाँ पे भी आप जाकर के देख सकते हो दोस्तों। तो इसके बाद दोस्तों अभी जो आयरन की सीट थी उसको मैंने ग्राइंडर से घिस लिया है कि उस पर हमारा अच्छे से सोल्डिंग हो जाए, जो हमारा सोल्डिंग रहेगा वो अच्छे से मेल्ट हो। इसके लिए मैंने ग्राइंडर मशीन से उसे अच्छे से घिस लिया है दोस्तों। ये जो आयरन की सीट होती है इस पर सोल्डिंग करने के लिए थोड़ा आपको फ्लक्स और सोल्डिंग वायर है, ये दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले आप अच्छे से फ्लक्स लगा लीजिए जिससे अच्छे से सोल्डिंग वायर मेल्ट हो दोस्तों। आयरन की सीट में सोल्डिंग करना काफ़ी ज़्यादा आसान है दोस्तों, जिस तरीके से मैंने आपको वीडियो में दिखाया हूँ आप देख सकते हो दोस्तों। मैं काफ़ी इजी तरीके से मैं सोल्डिंग कर रहा हूँ, और दोस्तों वो थोड़ा वीडियो को मैंने फास्ट रखा है, क्योंकि अगर दोस्तों मैं वीडियो को फास्ट नहीं रखता तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती दोस्तों, इसके लिए मैंने वीडियो को फास्ट रखा है दोस्तों। तो आप लोग को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे बिंदास पूछ सकते हैं कॉमेंट करके दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हो जिस हिसाब से मैंने अभी सोल्डिंग कर लिया है, मतलब जो कूलर का बॉडी का एक पार्ट है उसको मैंने सोल्डिंग कर लिया और दूसरे पार्ट को भी मैं सोल्डिंग कर रहा हूँ। तो दोस्तों काफ़ी इजी है इसको बनाना, और दोस्तों ये मेटल की बॉडी बनाने का एक फ़ायदा ये है कि हमारा जो कूलर रहेगा काफ़ी अच्छा रहेगा, और इसका लुक भी काफ़ी एकदम ओरिजिनल टाइप, जो हम मार्केट से कूलर परचेज करते हैं उस टाइप का ये दिखेगा दोस्तों, और ये काफ़ी मजबूत भी रहेगा दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों मैंने आयरन की सीट यूज़ की है, और इस बार थोड़ा मैंने अलग आइडिया लगाया और एक अलग लुक के लिए मैंने ये आयरन की सीट का यूज़ किया है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने इसकी बॉडी बना ली है फाइनली। तो दोस्तों अभी ये स्विच की जगह है, और ये जो पीछे साइड की है दोस्तों, यहाँ पे मैं एक जाली बनाने वाला हूँ। ऑलरेडी वो जाली मैंने बना के रखी है दोस्तों, तो ये जाली मैंने वही आयरन की सीट से ही बनाई है दोस्तों। तो इसके ऊपर साइड में मैंने छोटे छोटे छेद कर लिए हैं, जैसे हमारा जो वाटर पम्प लगाऊंगा उसके पानी वहाँ से गिरेंगे दोस्तों, और जिससे हमें कूलिंग अच्छा देगा। तो उसके बाद अभी ये जाली को मैं आपको फिट करके भी दिखा रहा हूँ कि ये किस तरीके से मैं इसको इसमें लगाने वाला हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा ईजी है दोस्तों ये वीडियो, और आप इसे अपने घर पे भी बना सकते हो, काफ़ी आसान है दोस्तों, कोई मेहनत का काम नहीं है। बस दोस्तों मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि जब आप आयरन की सीट कट करोगे तो थोड़ा ध्यान रखिए दोस्तों, क्योंकि मेरी उंगली काफ़ी टाइम उससे कट चुकी थी। तो दोस्तों उसके बाद ये मैंने मच्छर वाली जाली जो आती है, जो हम अपने घर की खिड़कियों पर या कहीं भी लगाते हैं प्लास्टिक की, जो मच्छर वाली जाली आती है उसका मैंने यूज़ किया है। तो इस हिसाब से मच्छर वाली जाली को मैंने कट करके इसमें लगा दिया है। तो दोस्तों ये जो वाइट कलर के आप टुकड़े देख रहे हैं, ये गेहूं चावल की जो बोरी होती है प्लास्टिक की, तो उसको कट करके मैंने उसके जो रेसेस होते हैं, रस्सी होती है दोस्तों, उसको मैंने एक एक करके निकाल लिया है, जिससे ये हमारा जाली टाइप का काम करेगा दोस्तों, जो हमें मार्केट से परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं बस ये एक आइडिया के लिए आपको ये बना करके दिखा रहा हूँ दोस्तों, इसके लिए थोड़ा ये वीडियो को मैंने फास्ट रखा है दोस्तों। तो अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये कूलर का लुक आपको कैसा लगा दोस्तों।
जाली को चिपकाने के लिए मैंने हॉट ग्लू गन का यूज़ किया। अगर आपके पास कोई दूसरा ग्लू हो या कुछ भी हो तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। जस्ट मैं आपको बस दिखाने के लिए हॉट ग्लू गन का यूज़ किया दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों मैंने ये छोटी छोटी दो कटोरी टाइप की बनाई है, वो आयरन की सीट से ही बनाई है मैंने दोस्तों। बस एक ये कूलर के नीचे साइड लगाना है जिससे हमारा पानी इसके अंदर एकदम रुका रहे दोस्तों। और इसको मैं अच्छे से चिपका दूंगा। और एक दूसरा पीस है जो कूलर के ऊपर साइड में मैं लगा दूंगा दोस्तों। तो अभी मैं जो नीचे पीस लगाया हूँ दोस्तों वहाँ पे मैं फ्लक्स लगा करके अच्छे से सोल्डिंग कर लूँगा जिससे हमारा जो पानी है वो लीकेज ना हो। और दोस्तों इस वीडियो में क्या प्रॉब्लम आई थी मुझे, मैं आपको वो आगे वीडियो में भी बताऊँगा दोस्तों। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो आप वायर सोल्डिंग करेंगे उस अच्छे से सोल्डिंग करना है दोस्तों, कहीं से पानी लीकेज ना हो। बस मेरे से इस वीडियो में यही गलती हुई है कि मैंने अच्छे से सोल्डिंग नहीं की थी, जल्दी जल्दी वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने कहीं मैंने सोल्डिंग छोड़ दी थी, तो जिसकी वजह से पानी लीकेज हो रहा था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये जो सीपीयू का कूलिंग फ़ैन होता है, इस कूलर में मैंने एक सीपीयू का कूलिंग फ़ैन है वो यूज़ किया हूँ, जो 12 वोल्ट का कूलिंग फ़ैन होता है वो यूज़ किया हूँ। और दोस्तों इसके बाद ये वाटर पंप है, इसको मैंने खुद बनाया है दोस्तों। इसका वीडियो आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या तो ऊपर आई बटन में शो कर रहा होगा, आप वहाँ पे जाकर के इसे देख सकते हैं, इस वाटर पंप का वीडियो दोस्तों। और ये वाटर पंप सिर्फ मैंने 5 रुपये में बनाया दोस्तों, काफ़ी सस्ता वाटर पंप है, आप इसे अपने घर पर आराम से बना सकते हो दोस्तों। और दोस्तों आप सभी को मैं एक बार दिल से थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूँ, बहुत सारा थैंक यू सो मच दोस्तों, क्योंकि आप लोगों की वजह से मेरे चैनल का 7000 सब्सक्राइबर की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। और इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और दोस्तों ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना और मेरे वीडियोज़ को लाइक करते रहना और देखते रहना दोस्तों, और मैं भी आप लोग के लिए अच्छे अच्छे आइडियाज़ लेकर के आता रहूँगा दोस्तों। और दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल पे जो नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी अच्छी खासी वीडियोस को देखने के लिए। और इससे भी अच्छे अच्छे वीडियोस को मैं आने वाले टाइम में लेकर के आता रहूँगा दोस्तों। और काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट हैं मैं लॉकडाउन की वजह से पूरा नहीं कर पाया दोस्तों, क्योंकि काफ़ी सारे सामान है जो शॉप बंद है, इसकी वजह से मिल नहीं रहे दोस्तों। तो मैं जल्दी सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लेकर के आने वाला हूँ आप सभी के लिए दोस्तों। तो दोस्तों हमारा कूलर बन के रेडी है और मैं आपको इसको चेक करके दिखा रहा हूँ, काफ़ी अच्छा ये वर्क कर रहा है दोस्तों। और दोस्तों इसमें मैंने जो कूलिंग फ़ैन यूज़ किया, आप इसकी जगह मोटर को भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, जो डीसी मोटर होता है वो, तो काफ़ी तेज़ हवा भी मिलेगी दोस्तों उसकी वजह से, क्योंकि कूलिंग फ़ैन था मेरे पास अवेलेबल, तो मैंने कूलिंग फ़ैन को यूज़ करके दिखाया दोस्तों, तो भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों ये। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और RR क्रिएटिव की वीडियोज़ ऐसे ही देखते रहिए दोस्तों। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल दोस्तों।